What's up, Blake? Welcome to my YouTube channel. तो भाई आज का व्लॉग सब के टाइटल से आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है, किस टॉपिक पे है। तो आज है हमारे कजन मींस के मासात का बर्थडे। तो भाई बर्थडे वो भाई केक नहीं काटता, उसने बोला कि मैं 3 साल हो चुके हैं मैंने केक काटा नहीं, तो क्यों ना हम लेके वहाँ पे उसके घर में सरप्राइज करें उसको केक काटने के लिए, भाई केक काट ले दूँ। तो भाई मैंने 2 दिन पहले प्लान किया, फ़ोन की बेकरी वाले को, भाई मुझे इस डेट को रात को 11:30 बजे केक चाहिए। तो भाई जैसे 11:30 बजे पहुँचा, उस बंदे ने बोला केक ख़त्म हो चुके हैं 1 पाउंड में, 2 पाउंड में पड़े वो लेके जाओ। मैंने कहा 1 पाउंड चाहिए, जो मैंने डिज़ाइन चाहिए वो ही चाहिए मुझे। तो उसने कहा मेरे पास नहीं है, तो मैंने कहा कैसे भी करके मुझे लेके दो। तो उसने बहुत दूर था गोदाम, जो वहाँ से हमने ये जो केक है वहाँ से रिसीव किया, वहाँ से लिया, फिर शॉप पे जाके नाम वाम जो भी है वो भी लिखवाया। उसके बाद हमारे कजन को मासात भाई को आयुष मंगलानी को, उसको पता नहीं था कि मैं केक लेके आ रहा हूँ। उसको मैंने 2-3 बार पूछा भी सही, भाई कोई केक लेके आया घर में? तो उसको मतलब माइंड में लगा भी नहीं। वहाँ जैसे पहुँचा तो सर को लगा कि मैं आ गया हूँ, तो मैं इसको अंडे या टमाटे जो भी हमारे यहाँ खेचल चलती थी बाद पहले वो करने आया है, तो वो मैं उसको बार बार बोला था कि नीचे चल बाहर चलते हैं। तो उससे ये लग रहा था कि मेरे ऊपर अंडे फेंकेगा या मुझे अंडे मारेगा, तो वो डर गया। वो कह रहा था मैं नहीं जाऊँगा, छोड़ दे ये चीज़ छोड़ दे, कल ट्रीट दूंगा मिस में। आज कह रहा था बार बार कि ट्रीट चले, बट मैंने मना कर दिया कि भाई चलेंगे तो कल चलेंगे, मिस के 5 तारीख को। तो भाई ने बोल दिया भाई ट्रीट पे चलेंगे, अंडे मत मार। तो मैंने जैसे 12 बज गए उसके सामने ये केक रहा, के बाद सारी फैमिली के साथ उसने केक काटा। फिर बज गए थे 12:30 और इसलिए वहाँ से बाइक निकाल के भाई आपका निकल के अपने घर आ गया। तो उसके बाद भाई ने मतलब के अपने लाइफ में जो भी मतलब के ये प्लानिंग बनाई कि भाई ऐसा ऐसा ब्लॉग बनाऊंगा या ऐसी ऐसी चीज़ मैं अपनी लाइफ में करूंगा, वो ही चीज़ उसी दिन गड़बड़ हो जाती है। मतलब टाइम डिले हो गया, कोई चीज़ कैंसिल हो गई या कुछ चीज़ का मसला हो गया, और उसी टाइम उसी वक्त मुझे और कोई डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई अब ये करता हूँ। तो अब भी तो आदत पड़ चुकी है कि भाई व्लॉग ख़राब होना ही होना है, तो कैसे भी करके मतलब कि कोई ना कोई व्लॉग बनाएंगे, कैसे भी व्लॉग बनाएंगे, अभी तो आदत हो चुकी है। अभी जैसे प्लान करता हूँ वैसे होता नहीं, उसका अपोजिट ही हो जाता है, मीन्स के ख़राब ही हो जाता है। फिर कोई ना कोई डिसीजन ऐसा वैसा गड़बड़ करके डालना पड़ता है कि भाई व्लॉग तो डालें, कुछ ना कुछ लोगों को दिखाएं तो सही। तो भाई ने बर्थडे केक काटा, उसको बहुत खुशी हुई, उसने बार बार बोला कहाँ ट्रीट दूँ बता। तो मैंने कहा यहाँ होटल पे दे या यहाँ पे, ऑप्शन दिए।
तो उसने बोला ठीक है जहाँ भी चल चलते हैं। तो मैंने कहा अकेले नहीं चलेंगे, किसी को साथ में चल लेके चल। तो वो आज रेडी नहीं हुआ वो वाला बंदा, बट उसको कल पूछेंगे मता रेडी हो जाए 5 को तो चल जाएगा वो भी हमारे लिए। तो यार आज तो इतना ही है। तो आज मुझे पता नहीं कौन एक मैसेज करेगा विकास कुमार VK2.0, उसके साथ मिलना है। तो पता नहीं वो आज मिलेगा या कल मिलेगा। तो मैंने तो उसको मैसेज कर दिया कि भाई अगर तुम मिलने आ रहे हो तो मुझे मैसेज कर देना। अगर उसका मैसेज आ गया तो वो कल वाले ब्लॉग में आएगा, इस वाले में नहीं। तो यार आप खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे पता है कि भाई बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये व्लॉग जो हैं यहाँ पे बैठ के सही नहीं बनते, या आपकी जो मासूमियत है वहाँ सूट नहीं करती आपको, वहीं जहाँ पे फंक्शन मीन्स के जहाँ पे आप के काट रहे थे वहीं पे आप ये चीज़ें बोल सकते थे। बट क्या करें, वहाँ भाई वहाँ पे इतना शोर था, बच्चे थे तो बात करने भी नहीं देते। कोई व्लॉग जो ट्रीट वाला आएगा, मीन्स की ट्रीट जो देगा, कोशिश करूँगा वो व्लॉग मेरे माइंड के हिसाब से ना बने, जैसे बनता जाए बनाते जाएंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे। अभी कोई प्लानिंग नहीं होगी, होगी तो गड़बड़ हो जाती है। तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बाँटें। बाय बूम।